सो हाय एवरीवन, तो फिर से हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को हाइट करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को हाइट कैसे करते थे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, तो आपको सर्च पर टैप करना है और आपको टाइप करना है YT स्टूडियो और सर्च पर टैप कर दे। अब आपके सामने YouTube स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो भी YouTube चैनल आपने लॉगिन करके रखा है वो आ जाएगा। अब आपके सामने आपके चैनल के सब्सक्राइबर शो हो रहे है, तो इसे हाइड करने के लिए आप लोग YT स्टूडियो की सेटिंग पर जाते थे। तो चलिए हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। फिर आपके सामने यहाँ पर चैनल का ऑप्शन दिया है, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा सेटिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर एडवांस सेटिंग ऑप्शन पर टैप करें और स्क्रॉल करते नीचे आइए। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड करने के लिए ऑप्शन था, पर वो अब नहीं है। तो दोस्तों, इसका रीज़न यही है कि अभी कुछ दिनों पहले यानी 29 जुलाई को YouTube की तरफ से एक अपडेट पुश किया है कि जो भी यूट्यूबर हो वो अब अपने YouTube सब्सक्राइबर को हाइड नहीं कर पाएगा, चाहे ये चैनल नए हो या फिर पुराने। अब से जिसके जितने भी YouTube सब्सक्राइबर है वो शो करने लगेगा, और जो भी पुराने यूट्यूबर्स है जिन्होंने अपने YouTube सब्सक्राइबर हाइड करके रखे थे वो सब शो करने लगेगा। पर जो न्यू YouTube चैनल है तो उनका चैनल हाइड नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी नए यूट्यूबर्स क्रिएटर है उनके साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उनको YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। क्योंकि जब भी पब्लिक आपका वीडियो देखने आएगी तो उससे पहले आपके YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर कितने हैं देखेगी, और अगर आपके चैनल पर कम सब्सक्राइबर है तो पब्लिक सोचती है ये नया YouTube क्रिएटर है, इसके पास अभी इतना नॉलेज नहीं होगा। पर चाहे आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का वीडियो कंटेंट बनाते हो, पर फिर भी पब्लिक आपका वीडियो नहीं देखेगी, क्योंकि पब्लिक सोचती है कि जिसके चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर होते हैं वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। वाकई में जो भी न्यू वीडियो क्रिएटर है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये यूट्यूब ने इसलिए अपडेट किया है क्योंकि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनके कई मिलियन सब्सक्राइबर है, तो लोग उनको देखकर सेम टू सेम चैनल बनाकर सेम टू सेम फोटो और चैनल का नाम रख लिया करते थे और अपने चैनल को हाइड कर लेते थे, जिससे पब्लिक को ये पता ही नहीं चल पा रहा था असली यूट्यूबर कौन है और नकली कौन है। पब्लिक कंफ्यूजन में रहती थी, तो इससे काफ़ी फ्रॉड हो रहा था। तो YouTube ने इस वजह से ये पॉलिसी लागू की है ताकि अब ऐसा कोई भी फ्रॉड ना हो, और साथ ही साथ पता चल जाएगा कि ओरिजिनल चैनल कौन सा है और फेक चैनल कौन सा है और किसके कितने सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों, आपको हाइट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि अपने चैनल में सब्सक्राइबर हाइट क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।